नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल साहिल प्रॉपर्टीज मोहाली वाले पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीरकपुर में पटियाला रोड पे नाभा गुरुद्वारे के बिल्कुल बैक साइड पे 5BHK विला जो कि स्पेनिश थीम में बना हुआ है। और इस विला में हमें इंडिपेंडेंट लिफ्ट मिलेगी और टॉप फ्लोर पे हमारा बियर बार। और दोस्तों ये जो हमारा 5BHK विला है ये 4000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है जिसमें हमें 5 रूम और 5 वॉशरूम मिलेंगे। ज्यादा देर ना करते बढ़ते हैं अपने विला की तरफ। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ एंट्री में कितनी प्यारी लुक लग रही है। यहाँ पे ऊपर हमें फॉल सीलिंग मिल रही है और आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ है। आप देख सकते हैं इतनी प्यारी एंट्रेंस की हमारी लुक लग रही है। यूनिक सा डिज़ाइन दिया हुआ आप हमें यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों मेरे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगा हुआ है, तो चलते हैं अपने डाइनिंग टेबल की तरफ। दोस्तों यहाँ पे 6 सीटेड डाइनिंग टेबल लगा हुआ है। देखिए आप कितना प्यारा सा डाइनिंग टेबल है हमारा और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 चेयर्स लगी है और पीछे वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे हमारे मिरर लगा हुआ है। मिरर के ऊपर डिजाइनर कर्टन है और ऊपर हमारी फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं कितनी प्यारी हमारी फॉल सीलिंग है। यहाँ पे हमारे डाइनिंग टेबल की कितनी प्यारी लुक आ रही है। अब इसके आगे फ्रंट साइड पे किचन है, यहाँ पे ओपन किचन रहेगा। आप देख सकते हैं कि ये हमारा आ गया ओपन किचन। इस किचन में हमें नॉइस प्रूफ सिंक मिल रही है जिसमें उसके बाद मॉडल फिटिंग्स मिल रही है। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट क्लोजर हमारे ड्रॉर्स है यहाँ पे। और नीचे आप देखिए नीचे भी काफ़ी ड्रॉर्स, कितने इजीली हमारे ड्रॉर्स ओपन हो रहे हैं, ओपन क्लोज। अब यहाँ पे ऊपर देखिए, ये देखिए ये कबर्ड कितनी अच्छी लग रही है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर हमारे ये बहुत अच्छी सी क्रॉकरी पैनल बना हुआ है। ये देखिए कितनी अच्छी सी क्रॉकरी यूनिट के लिए हमारी वार्डरोब बनी हुई है, इसमें हमारी बहुत सी क्रॉकरी आ जाएगी। इसके बाद इसके साथ में हमारे ओपन कबर्ड्स दिए हुए हैं ये देखिए, और कबर्ड्स के नीचे हमारे यहाँ पे रखने के लिए काफ़ी सामान आ जाएगा। और इसके साइड पर आप देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रोवेव के लिए या वेजिटेबल्स फ्रूट्स के लिए काफ़ी स्पेस है हमारे पास। और ये देखिए इतने ड्रॉर्स हैं हमारे यहाँ पे, और ये यहाँ पे भी कबर्ड्स बने हुए हैं। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा फ्रंट साइड पर रहेगा, यहाँ पे बहुत बड़ा सा मिरर लगा जिससे हमारा अगर किचन में हम काम कर रहे हैं तो बाहर का व्यू हमारा इजीली आ जाएगा। तो लेडीज़ अगर घर पे अकेली हैं, वो काम कर रही हैं, कोई गेस्ट आया तो इजीली बाहर देख सकते हैं। दोस्तों इस साइड पे हमारा ये देखिए कितना अच्छा किचन का व्यू है। इसके बाद हम चलते हैं अपने फर्स्ट रूम की तरफ। तो दोस्तों ये आ गया हमारा अब फर्स्ट रूम। ये देखिए इस रूम के अंदर हमें बहुत ही अच्छा बेड मिलने वाला है। बहुत ये देखिए कितना कम्फर्टेबल मैं फील कर रहा हूँ इस बेड पर लेट के। तो ये हमारा बेड रहेगा, इसके पीछे आप देख सकते हैं एक साइड वुडन का कंसेप्ट है तो दूसरी साइड हमारा यहाँ पे मिरर का कंसेप्ट दिया हुआ है। और इसके बिल्कुल आप देख सकते हैं ऊपर हमें फॉल सीलिंग मिल रही है विद कंसील लैंप्स, और ऑपोजिट साइड के वॉल पे बहुत अच्छी सीनरीज लगी हुई हैं। तो आप देखिए ये कितना प्यारा रूम लग रहा है, इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है। तो इसके ऑपोजिट साइड पर आप देख सकते हैं जो हमारा LCD पैनल है इसमें फुल डिज़ाइन ऊपर तक फुल वॉल पर डिज़ाइन दिया हुआ है। नीचे हमारे स्टोरेज के लिए एक ड्रॉर से बना रखे हैं यहाँ पे। और इसके बाद हम आगे देखते हैं, ये देखिए दोबारा से देखिए हमारे फॉल सीलिंग, और ये कितना प्यारा रूम लग रहा है हमारा। इसके बाद चलते हैं हम अपने वॉशरूम की तरफ। तो ये आ गया हमारा। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं वॉशरूम के अंदर ही हमारी अलमीरा मिलेगी जिसमें ट्रांसपेरेंट मिरर लगा हुआ है और इसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा क्लोथ्स हम रख सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे वॉशरूम के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिरर के साथ पार्टीशन करी हुई है, और यहाँ पे देखिए वेट एरिया के लिए मिरर लगा हुआ है। एक साइड वेट एरिया रहेगा, एक साइड हमारा ड्राई एरिया रहेगा। तो इसमें भी हमें यहाँ पे फॉल सीलिंग मिलेगी दोस्तों। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे अपनी फर्स्ट बालकनी की तरफ। तो दोस्तों ये अब आ गई हमारी फर्स्ट बालकनी। तो इस साइड पे हमारी ये जो फर्स्ट बालकनी, आप इसमें आप देख सकते हैं हमारा कितना स्पेस है। ये काफ़ी स्पेशियस हमें यहाँ पर बालकनी मिल रही है। तो यहाँ पे हम काफ़ी मतलब वॉशिंग के लिए वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, और स्टोरेज कई बार ऐसा होता है कि घर के अंदर काफ़ी स्टोरेज का एक्स्ट्रा सामान है तो वो भी दोस्तों हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों चलते हैं अपनी बेसमेंट की तरफ। इससे पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ पे हमें एक बहुत ही शानदार सी लिफ्ट मिलने वाली है जो कि हमारी प्राइवेट लिफ्ट रहने वाली है जो बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर तक जाती है। हमारा यहाँ पर स्टेयर्स का ऑप्शन भी है। तो अभी हम जा रहे हैं बेसमेंट में, तो चलते हैं अब नीचे की तरफ अपने डाउन स्टेयर्स पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे वुडन का कितना अच्छा कंसेप्ट दिया हुआ है। डाउन स्टेयर्स पे पूरा यहाँ पे वुड वर्क हो रखा है। तो ये देखिए हमारा अब आ गया ड्राइंग रूम जो कि बेसमेंट में है हमारे।
और ये देखिए कितना प्यारा सोफा लगा हुआ है, और मेरे एक साइड पे कितने प्यारा यहाँ पे डेकोरेशन की हुई है जो कि वुडवर्क के साथ लाइटिंग का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। और इसके साथ ही हम, आपने दोस्तों कभी इमेजिन किया कि आपके बेसमेंट में, आपके होम के अंदर अगर होम थिएटर हो तो कैसा होगा? तो यहाँ पे आपको होम थिएटर मिलने वाला है। देखिए मेरे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे बिल्कुल चेयर्स लगी हैं, रात को आप काम से आए तो यहाँ पे इंजॉय करके आराम से आप टीवी देख सकते हैं, यहाँ पे होम थिएटर का पूरा इंजॉय कर सकते हैं। साथ में हमें कॉम्प्लीमेंट्री बियर बार मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारा बियर बार है। तो यहाँ पे देखिए कितना प्यारा बियर बार लग रहा है, और यहाँ पे इसके बैक साइड पे आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, यहाँ पे अगर कई बार गेस्ट ज़्यादा आए हो तो काफ़ी सोफ़ा वगैरह हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं, तो 4 to 5 गेस्ट हम इजीली यहाँ पे और बिठा सकते हैं, और काफ़ी अच्छा हमारा यहाँ पे मतलब इन्जॉयमेंट हम कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे यहाँ पे एक रेस्ट रूम रहेगा। अभी यहाँ पे दोस्तों अंधेरा है तो लाइटनिंग अभी ऑफ है, तो बाद में इसमें लाइटनिंग ऑन हो जाएगी। तो अभी चलते हैं हम अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ये हमारी लिफ्ट आ गई, अब लिफ्ट से हम ऊपर जा रहे हैं। तो दोस्तों ये आ गया हमारा फर्स्ट फ्लोर। तो ये फर्स्ट फ्लोर का हमारा फर्स्ट फ्लोर पे हमारा सेकंड बेडरूम आ गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे बैक साइड पे कितना अच्छा वुडन का कंसेप्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे बहुत अच्छी से हमारी पेंटिंग लगी हुई है जो हॉर्स की पेंटिंग, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी पेंटिंग है। और हमारे छत पे हमें फॉल सीलिंग मिल रही है यहाँ पे विद कंसील लैंप। देखिए दोस्तों कितना प्यारा लुक आ रहा है इस रूम का। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आप देख सकते हैं LCD पैनल दिया हुआ है जो कि वुड वर्क में है, और या इसके नीचे आप स्टोरेज के लिए हमें स्पेस दिया हुआ है। और इसके साइड पे भी हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा है, और इसके साइड पे हमें यहाँ पे कबर्ड मिल रही है, ये देखिए ओपन कबर्ड है, इसके अंदर हम काफ़ी सामान रख सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए कितने अच्छा हमारी लुक आ रही है यहाँ पे, और ये कितना प्यारा लग रहा है हमारा रूम। और इसके साथ ही आप चलते हैं अपने सेकेंड वॉशरूम की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा नीचे की तरह यहाँ पे सिमिलर ऊपर भी सेम सेकंड वॉशरूम है, जिसमें पानी मतलब ड्राई एरिया के लिए अलग से स्पेस है, और वेट एरिया के लिए मिरर से पार्टीशन करी हुई है। और इसके भी अंदर एक साइड पे आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वार्डरोब मिल रही है, जिसमें हमारा क्लोथिंग के काफ़ी मटेरियल हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और काफ़ी सामान हम इस पर रख सकते हैं। ये देखिए आप ऊपर से नीचे तक ट्रांसपेरेंट ग्लास इसमें भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी टाइल्स का हमें कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा मिल रहा है, और छत पे हमारा यहाँ पे कंसील लैंप मिल रहे हैं। और इसके बाद चलते हैं दोस्तों अपनी सेकंड बालकनी की तरफ। तो ये हमारी यहाँ पे भी सेम बालकनी आप देख सकते हैं, बाहर का व्यू यहाँ पे कितना अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी बालकनी के काफ़ी दूर दूर तक, ये देखिए कितना प्यारा मौसम, कितनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे दोस्तों, कितनी प्यारी हवा, आप आके एक बार ज़रूर देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी हवा चल रही है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड रूम की तरफ। तो दोस्तों अब हम आगे अपने थर्ड रूम की तरफ। तो ये देखिए ये हमारा आ गया थर्ड रूम, जिसमें हमारा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बैक पे कितना प्यारा यहाँ पे हमने ड्राइंग की हुई है, और जो बैक बेड के बैक साइड पे कितना प्यारा डिजाइन दिया हुआ है, और छत पे आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग, कितनी अच्छी फॉल सीलिंग हमारी यहाँ पे, और लाइट्स का कंसेप्ट डबल फॉल सीलिंग है, और कंसील लैंप्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मेरे ऑपोजिट भी यहाँ पे बिल्कुल LCD पैनल के बैक साइड पे पूरी वॉल पे वुडन डिजाइन मिल रहा है हमें, वुडन का बहुत अच्छे डिजाइन से यहाँ पे डेकोरेट किया हुआ है। और यहाँ पे मेरे राइट साइड पे यहाँ पे आ गई है हमारी थर्ड बालकनी, जो कि हमारे फ्रंट साइड पे रहने वाला है। तो दोस्तों ये देखिए इसके बाद हम चलते हैं अपने थर्ड वॉशरूम की तरफ। तो दोस्तों इस साइड पे आ गया हमारा थर्ड वॉशरूम। तो वॉशरूम जाने से पहले यहाँ पे एक बता दूं, यहाँ पे भी हमें एक कबर्ड सी लगी मिलेगी जो ट्रांसपेरेंट यहाँ पे वार्डरोब रहेगी, और हमारे आगे काफी ओपन स्पेस भी है, ये देखिए फुल लेंथ की यहाँ पे हमारी कबर्ड रहेगी। तो ये आ गया हमारा अपना थर्ड वॉशरूम। इसमें हमारा एक साइड लाइट और एक साइड चॉकलेटी कलर का हमें यहाँ पे टाइल्स का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये भी हमारा कॉम्बिनेशन। ये देखिए ये हमारा वॉश बेसिन आ गया। तो अब चलते हैं अपने फोर्थ रूम की तरफ, जो कि हमारा सेकेंड फ्लोर पे है। तो सेकेंड फ्लोर पे चलते हैं दोस्तों अपने, ये आ गया हमारा सेकेंड फ्लोर पे, हम सीढ़ियों से जा रहे हैं अब ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर रेलिंग लगी है, स्टील की रेलिंग है हमारी यहाँ पे। तो दोस्तों अब आगे हम अपने फोर्थ रूम के अंदर। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जो बेड की बैक साइड है कितनी प्यारी है, और जो वॉल है यहाँ पे हमें वॉलपेपर का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे भी छत पे हमें फॉल सीलिंग मिल रही है, और कंसील लैंप्स लगे हुए हैं, और कितनी अच्छी लुक आ रही है आप देख सकते हैं। तो मेरे इस साइड ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे वॉल पे, यहाँ पे फुल वॉल पे यहाँ पे डिफरेंट कंसेप्ट से यहाँ पे डिजाइन दिया हुआ है, जो कि हमारे इस रूम को दूसरे रूम से अलग करता है। तो नीचे भी हमें स्टोरेज के लिए यहाँ पे मिले हुए स्टोरेज के लिए बॉक्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे फ्लोर पे देख सकते हैं यहाँ पे टोटली वुडन कंसेप्ट में टाइल्स लगी हुई है, तो ये पूरे वुडन के लुक हमें दे रहा है। तो आप देख सकते हैं इसके अलावा हमारा यहाँ पे दो चेयर्स लगी हुई है, और टी कॉफी हम यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ।
तो इसके बाद आप देख सकते हैं, हम आगे चलते हैं अपने, यहाँ पे हमारी वार्डरोब लगी हुई है जो कि हमारी ट्रांसपेरेंट वार्डरोब रहेगी और काफी स्पेस है, ये भी हमारी काफी स्पेसियस ही है। तो ये देखते हैं काफी स्लाइडिंग से डोर हमारे कितने अच्छे यहाँ पे फुल लेंथ के स्लाइडिंग डोर लगे हुए हैं। इसके बाद ऊपर हमें यहाँ पे फॉल सीलिंग मिल रही है। तो अब चलते हैं अपने यहाँ पे, ये देखिए आप, अब चलते हैं अपने फोर्थ वॉशरूम की तरफ। दोस्तों ये आ गया हमारा फोर्थ वॉशरूम, जिसमें यहाँ पे डबल शेड में टाइल्स लगी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी हमें छत में फॉल सीलिंग मिल रही है हमारे यहाँ। अब आगे बढ़ते हैं अपने फिफ्थ रूम की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे एक भी हमारा सेकंड फ्लोर पे लिफ्ट आ गई हमारी, और ये आ गया हमारा फिफ्थ रूम। यहाँ पे भी दोस्तों बहुत अच्छी लुक है, बेड के बैक पे आप देख सकते हैं, छत पे देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक्स आ रही है। छत पे हमें यहाँ पे फॉल सीलिंग मिल रही है, देख सकते हैं कितना डिजाइन का यहाँ पे हमें फॉल सीलिंग मिल रही है। और ये देखिए कितनी प्यारी लुक आ रही है, और जो हमारा बेड है इसके बैक साइड देखिए आप कितनी अच्छे से डिजाइन की हुई है, कितना मतलब फुल लेंथ का यहाँ पे डिजाइन है। और बेड के दोनों साइड पे हमारे स्टोरेज बॉक्स रखे हुए हैं, ऑपोजिट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टीवी पैनल देख सकते हैं, एलसीडी पैनल, यहाँ पे वुड के डिजाइन में एलसीडी पैनल मिल रहा है ये देखिए। और उसके साथ नीचे हमारे यहाँ पे ड्रॉर्स मिल रहे हैं, तो काफी हमारा इसमें सामान आ जाएगा यहाँ पे डेकोरेशन के लिए, और साथ हमारा स्टोरेज के लिए यहाँ पे वार्डरोब दी हुई है, एक स्मॉल सी वार्डरोब दी हुई है जो हमारी यहाँ पे लुक्स को काफी बढ़ा रही है। तो इसके साथ ये आ गया हमारा फिफ्थ वॉशरूम। तो ये आ गया दोस्तों, यहाँ पे भी हमें वॉशरूम के अंदर ट्रांसपेरेंट वार्डरोब मिल रही है, जिसमें हमें काफी सामान आ जाएगा, और सेम यहाँ पे पार्टीशन करी है ड्राई एंड वेट एरिया के लिए। तो अब चलते हैं हम बाहर, और यहां से देखते हैं हम, पहले एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं। अब इसके बाद दोस्तों अब चलते हैं हमारी फिफ्थ बालकनी की तरफ, जो कि हमारी ये देखिए फिफ्थ रूम से बालकनी आएगी। ये देखिए बाहर का व्यू आप देखिए, कितना प्यारा व्यू आ रहा है, कितनी अच्छी लुक लग रही है यहाँ की, देख सकते हैं आप। तो चलते हैं अब अपने टॉप फ्लोर की तरफ, टेरेस की तरफ। तो दोस्तों अब चल रहे हैं हम अपने टॉप फ्लोर की तरफ। ये देखिए यहां हमें फ्रंट में टॉप फ्लोर पे बियर बार मिलेगा, वो देखिए हमारा आ गया बियर बार, यहाँ पे एक बियर बार मिलेगा हमें। और ऊपर यहाँ पे भी हमारी फॉल सीलिंग मिलेगी जो कि वुड वर्क में रहेगी। ये देखिए कितनी अच्छी फॉल सीलिंग है, और वुडन फॉल सीलिंग है, और यहाँ पे हमें कंसील लैंप्स लगे हुए मिलेंगे। और ये हमारा दोस्तों बैक पे रहेगा टेरिस, रहेगा ओपन टेरिस, जिसमें हमारा सिटिंग एरिया रहेगा। यहाँ पे थ्री चेयर्स लगी है विद टेबल, और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं ग्रास का लुक है, और एक साइड पे हमें जकूजी मिलेगा। ये देखिए कवर्ड जकूजी है, जिसमें हम इजीली अपने टेरिस पे आराम से अपना बाथ ले सकते हैं। तो ये हमारा फुल टेरिस रहेगा, और आप देख सकते हैं टेरिस से ओपन व्यू कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी लुक आ रही है यहाँ से। अब दोस्तों चलते हैं अपने फ्रंट व्यू की तरफ, एक बार अपने विला का फ्रंट साइड देख लिए हम कि हमारा फ्रंट एलिवेशन कैसा होगा, आसपास कितना अच्छा व्यू आ रहा है आप देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा 5 BHK स्पेनिश विला, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अलविदा, जल्द ही मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। धन्यवाद।